किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुल्हाड़े है और आपको आज मैं आम उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी देता हूँ। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये तो आपने सुना ही होगा और ऐसे ही आम की कहावत सत्यता की ओर है। आम इसका हम प्लांटेशन कर लें और फिर हम बहुत बड़े रूप में इसका उत्पादन लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि आम की उत्पत्ति स्थान भारत देश को माना गया है, पर आप जानते हैं कि ये पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत देश लाया गया था। पुर्तगालियों ने गुठली के माध्यम से यहाँ पर आम लगवाए और बहुत सारे लगाए और लगाने के बाद में बहुत सारी किस्मों का समावेश हो गया और भारत देश में लगभग 1400 प्रकार की आम की किस्में पाई जाती हैं और जिसमें बहुत सारी किस्में जो है जंगली रूप से हमारे जंगलों में हैं। इसके कारण जो भारत का उत्पत्ति स्थान माना गया है आम के लिए, वो इसीलिए माना गया है। आम की जो इतनी सारी जो किस्में हैं वो बहुत सारी जगहों में नहीं मिलती। इसके लिए क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म चाहिए और आपने देखा है कि पहाड़ों पर इसके पेड़ नहीं होते, अर्थात समतल जमीन में इसका उत्पादन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके लिए यदि हम भूमि की बात करें तो इसके लिए भूमि अधिक पानी वाली नहीं चाहिए हमें, मतलब अब मुरमुली या फिर कंकरीली जमीन में भी हम आम का उत्पादन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, इसके पौधे का प्लांटेशन कर सकते हैं। इसका पीएच की बात करें तो इसका पीएच जमीन का पीएच की बात कर रहे हैं, जमीन का पीएच लगभग 5.5 से 7.5 होना चाहिए और इस पीएच पर इसका फलों का उत्पादन अच्छा हो जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी जो जमीन है वो जमीन आपको पानी के भराव वाली नहीं होना चाहिए, अर्थात जल निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। और हम इसके जो पौधे तैयार करते हैं वो लगभग जून जुलाई में पौधे तैयार करके और उसका प्लांटेशन करते हैं। अब हमें इसमें अधिक उत्पादन लेना हो, लगभग 3 से 5 साल में उत्पादन लेना हो, तो आम को ग्राफ्टिंग करना बहुत आवश्यक है, जिसमें वीनियर ग्राफ्टिंग बहुत अधिक प्रचलित है। बहुत आसानी से इसमें आम को ग्राफ्टेड किया जाता है ताकि उत्पादन हमें 5 साल में मिल जाए। यदि हम बीजू आम का पौधे बनाएं और उसे उत्पादन लेना चाहें तो लगभग 10 वर्ष का समय लग जाता है। पौधे से पौधे की दूरी प्लांटेशन में देखें तो सघन घनत्व में यदि और यदि हम सामान्य लगाएं तो 10x10 मीटर की दूरी में आम के पौधों को लगाया जाता है। और पानी यदि देना है तो ड्रिप मेथड बहुत अच्छी है और थाला विधि भी बहुत शानदार है। हालांकि थाला विधि का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। शुरू में पानी देने की आवश्यकता है ताकि पौधों का जीवन सुरक्षित हो सके, उसके बाद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार हम खाद की बात करें तो एनपीके भी सामान्य रूप से हम दे सकते हैं। प्रति पौधा लगभग 50-50 ग्राम आप उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। और पानी की बात करें तो पानी लगभग 15-15 दिनों की आड़ में देना चाहिए परिस्थिति को देखते हुए। और पौधे का जो प्लांटेशन किया जाता है, ये प्लांटेशन के लिए हमें गड्ढे करने आवश्यक है। गड्ढे हमें गर्मी की धूप में करना चाहिए, जब मई जून में बहुत तेज जब सूर्य की रोशनी रहती है तब गड्ढे कर लें, ताकि उसमें जमीन में पाए जाने वाले जो प्यूपा है या कीड़े हैं वो मर जाएं। और उस जमीन को जब टेम्परेचर मिल जाता है तो उसमें हम आसानी से वृक्षारोपण कर सकते हैं। इस गड्ढे का आकार 1x1x1 होना चाहिए, अर्थात लंबाई चौड़ाई गहराई 1-1 मीटर होना चाहिए, तब हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। अभी आपने देखा आम का उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड इसका भी प्रयोग करते हैं। आम में बोर तो बहुत आती है लेकिन उत्पादन कम होता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि आम में लगभग 1-2% बोर में ही उत्पादन होता है आम का। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि आम में समस्या पाई जाती है कि हर साल आम नहीं लगते। जो हमारे पुराने बाग में देखे हुए आम के पौधे हैं उसमें हर साल क्यों नहीं लगते, उसके लिए उसका मुख्य कारण जो है हार्मोन्स का असंतुलन है। अर्थात उसमें यदि निश्चित रूप में पर्याप्त रूप में यदि हम एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट को समय समय पर देते रहें तो उसमें अंतर फलन की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। और आम
में एक चीज और देखा गया है कि आम बहुत बढ़िया सुंदर हो जाता है और उसमें काला सा एक निशान दिखाई देता है जिसको हम कोयल रोग कहते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि आम के ऊपर कोयल बैठी है। इसका मुख्य कारण है प्लांटेशन के आसपास ईंट का भट्टा होना। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो आम में ये इस प्रकार की समस्या पैदा करती है। अतः हमको उसके निवारण के लिए उसकी चिमनिया की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए। और आम में देखा, आज वर्तमान समय में आम बहुत सारे अलग अलग किस्मों के हैं, जैसे सुंदरजा और सिंदूरी, आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी, भूरा, अल्फांजो और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों नाम हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी किस्मों का बनाया, चयन किया और उसको अपना अपना नाम दे दिया। विदेशों में जो अधिक डिमांड है वो अल्फांजो की है, क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत शानदार रहती है। इससे बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हम आम को पुराने समय से उसको एकत्रित करके उसका रस निकाल के फिर उसको एक लेयर में जमा लेते थे और उसी को हम आमरस बोलते थे और उसको हम आज भी हमारे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि आम कच्चा है तो विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और ये यदि पक जाता है तो विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो पर आम भी बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। यदि बहुत अधिक खा लिए आप तो आपके चेहरे में सूजन आ सकती है या फिर मुहासे आ सकते हैं। अर्थात इसको खाना खाने के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको यदि खाना खाने के साथ खाएंगे तो आपकी शुगर की मात्रा, शुगर का लेवल जो है आपके शरीर में बढ़ जाएगा। अतः इसको खाना खाने के पहले प्रयोग करना चाहिए, लगभग एक घंटे पहले। और आम को आज के समय में यदि इसका बिजनेस करना है तो आम के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हम लोग घर में अचार भी बनाते हैं आम का और आम को हम एक नए बिजनेस में लेकर के ड्रायर जो अभी वर्तमान में 1.5-2 लाख रुपए के आ रहे हैं, उसमें हम आम को ड्राई करके उसका पाउडर बना करके हम हमेशा साल भर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है आम जो है फलों का राजा है, आम की बहुत डिमांड है। आपने देखा बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक आम पर आधारित है। हम लोग आम रस पीते हैं, खट्टा मीठा वाला, मतलब यदि गर्मी में नियंत्रण नहीं कर पाते तो ये हमारे आम के आम हैं और गुठलियों के दाम हैं। आम से संबंधित और कोई जानकारी आप यदि लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुलाड़े है। मोबाइल नंबर 8602620866। धन्यवाद।